तो क्या मैं हूं मैन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस वर्से यादव के बारे में तो ध्रुव राठी ने फिर से एलविश यादव को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया रिसेंट टाइम्स में इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ चल रहा है आप लोग को पता ही होगा लास्ट एलविश यादव उनके ऊपर वीडियो बनाए थे फिर ध्रुव राठी भी उनको थोड़ा सा रेस्पॉन्ड किए थे बट देन कल फिर से ध्रुव राठी अपने वीडियो में इनडायरेक्टली एलविश यादव को पोक करते हुए ये कह दिए पहले तो हुए आप वो इंसान जो आप असलियत में हो लेकिन दूसरे हुए आप वो इंसान जो आपको लगता है आप हो फर्क समझ रहे हो कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट ये इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करता है जब उसके पास नॉलेज और स्किल की सख्त कमी होती है तो नंबर वन आप वो इंसान जो असलियत में हो नंबर टू वो इंसान जो आपको लगता है आप हो ये हो गई आपकी सेल्फ इमेज नंबर थ्री है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ वो इंसान जो आप बनना चाहते हो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और जैसी आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उससे बहुत असर पड़ता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका आइडियल सेल्फ हो सकता है यादव अरे भाई क्या, ये कोई बोल सकता है क्या एनडीआई वाला क्लिप में जब एलविश को ट्विटर में टैग किया गया तब वो रिप्लाई करते हुए लिखे ध्रुव भाई ये सब तो ठीक है काउंटर कहा है एंड टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी तो उनका बियर बाइसेप्स का एक वीडियो वायरल जा रहा था जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया तो बियर बाइसेप्स अपना रियक्ट एक्शन दिए कहीं बेसिकली एक पर्सन उन दोनों के अगेंस्ट एक ट्वीट किए थे आप पहले उनका ये वाला वीडियो देख लो देखा है जितना हाइपर उससे भी ज्यादा हाइपर है रियल लाइफ yeah. में <laughs> क्योंकि क्योंकि भाई का सेक्सीनेस ना हंड्रेड टाइम ज्यादा है रियल लाइफ में मतलब ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा सेक्सी है उससे वही बीर बाई इस पर रिप्लाई करते हुए बोले संजू आप फिर क्या हुआ था आपके बचपन में आप इतने नाराज क्यूँ हो जीवन से इट कान बी और व्यूज ड्रॉपिंग बड़े भाई वॉन्ट टू जेनुअनली हेल्प यू हम लोग एक कोर्स रन करते हैं ऑन हाउ टू तो पॉडकास्ट वो हम लोग आपको दे सकते हैं डोंट वरी यू विल बाउंस बैक बहुत सही कोर्स बनाया है आप में बहुत पोटेंशियल है कीप वर्किंग हार्ड एंड फोर गिव य चाइल्ड हुड इट नॉट योर फॉल्ट बट पटिया चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जम्मू एंड कश्मीर के रियासी इंसिडेंट के बारे में जहा गए लास्ट वाले वीडियो में आप आप लोगों को बताया था कि रियासी में क्या हुआ था काफी सारे लोग अपना आवाज उठाए थे बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज कुछ इस पर बोल नहीं रहे थे जिसके वजह से उनको हेट भी मिल रहा था बट अब काफी सारे सेलिब्रिटीज बाहर आकर इसके बारे में बात करना चालू कर दिए जैसे की रश्मिका मंदाना की तरफ से ये स्टोरी आया फिर आलिया भट्ट भी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली फिर प्रियंका चोपड़ा भी मल्टीपल पोस्ट की अनुपम खेर भी एक ट्वीट किया एंड कंगना रनौत की तरफ से भी एक ट्वीट आया बट या उस दिन अटैक के दौरान एक्जैक्टली क्या हुआ था एक सर्वाइवर रिवील करके बताया उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारा बस गोर्ज के अंदर गिर गया अदरवाइज हम सभी लोग को मार दिया गया होता। ड्राइवर बस का कंट्रोल लूज कर दिया वेरी हॉरिफिक इंसिडेंट बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में तो क्या रजत दलाल के अगेंस्ट एक और केस रजिस्टर हो गया बिल्कुल टू बताया जा रहा है की उनके मेकडोनल्ड वाले क्लिप को लेकर उनके अगेंस्ट केस हो गया आप शायद एक क्लिप

एम ट्रूली सॉरी हैश टैग रिस्पेक्ट है इंडिया के, के वजह से एक पाकिस्तान स्टोरी आ रहा है सबका ओपिनियन वगैरह ले रहे थे एंड साइड में उनके एक सिक्योरिटी गार्ड भी थे तो सिक्योरिटी गार्ड से अपना ओपिनियन मांगने लगे वो बोल रहे थे की मेरे को नहीं बोल रहा है बट स्टिल वो बार बार पुश कर रहे थे फिर द सिक्योरिटी गार्ड लॉस्ट इज स्कूल एंड वो गोली चला दी उस यूट्यूबर पर जिसके वजह से तो चलिए बढ़ते हम लोग बात करने वाले काल की 2898 AD के ट्रेलर के बारे में, के तरफ से भी आया। इस में एक दिन के अंदर 17 आ और कुछ अच्छे की पीजे एक्सप्लेन ये ट्वीट किए जस्ट सौदी काल की टू एट नाइन एट एडी ट्रेलर एंड तोहबा इट वॉज इनसेन इट नो डिसमेंट उसके बाद देसी नड की तरफ से भी ये ट्वीट आया कि ट्रेलर में हम लोग को सारे वो हिंट्स देख गए कि हम लोग मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपार्ट

ज्यादा गुस्सा हो गए थे गैस वो इसके रिगार्डिंग एक रील अपलोड करके कि exactly उनके साथ क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए ये इतना थर्ड क्वालिटी है जोमेटो मतलब मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया ये ऑर्डर मेरे पास आता आया है तो ऑर्डर गलत है कोई बात नहीं गलत ऑर्डर आ गया भाई डिलीवरी बॉय को जो दिया गया वो लेकर आ गया वो कह रहा है अब इसमें गलती किसकी है शॉप वाला कह रहा है जहां से आया बीकानेर वाले से मंगाया गया था वो कह रहा है कि भाई हम नहीं भेज सकते डिलीवरी बॉय को वापस भेजो ये कह रहा है मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरा दोबारा से डीजल लगेगा पेट्रोल लगेगा बाइक से आया और मेरे पास जोमेटो की तरफ से हेल्पलाइन नंबर के जो भी इन्होंने कॉल किया वो कह रहे हम कैंसिल नहीं कर सकते आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाओ और कैंसिल कर दो जिससे हम इनिशिएट कर पाए रिफंड वगैरह जो भी है ये क्या बदतमीजी है मैंने जब कहा कि मेरा ऑर्डर खुदी कैंसिल करके रिफंड कर दो कह रहे हम नहीं कर सकते तो कॉल क्यों किया था मारने के लिए दो कोड़ी की सर्विस देने की तरीका क्या है ये आपका डायरेक्ट कोई कॉल नंबर नहीं है अगर एक आदमी है भूखा है तभी तो उसने कुछ ऑर्डर किया होगा ना अगर आप कॉल कर सकते हो तो ये किसकी जिम्मेदारी है तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एम्बुलेंस के रोड रेज वायरल वीडियो के बारे में जहाँ इस बेंगलुरु से वाला इंसिडेंट आ रहा है की एक एम्बुलेंस जिसमे की फाइव मंथ ओल्ड क्रिटिकली इल बेबी जा रही थी ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा था उनको तभी एलिजेडली कुछ रोड में हो गया एंड ड्रंक लोग आकर एम्बुलेंस के ड्राइवर को रोक कर उसको मारने लगे जल्द ही स्पॉट में पुलिस आए उन दोनों को हटाए क्यूँकी ऑफकोर्स यार एम्बुलेंस है वो किसी और के जान को खतरा हो सकता है तो लोग वो पर्सन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो की एम्बुलेंस को रुकवाए बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूएस वुमेन के बारे में जो की इंडिया जब आई थी उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो गया बेसिकली युवा क्या की एक यूएस वुमेन इंडिया में आकर छह करोड़ का ज्वेलरी खरीद ली थी एंड बाद में उनको पता चला कि इट वाज फेक एंड वो तीन सौ रूपये का जी जयपुर के एक शॉप में जाकर वो ये गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह खरीदी थी

कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले एक्सट्रीमर जैक डोहर्टी के बारे में तो लिवरपूल फुटबॉलर डार्विन ने एक्सट्रीमर जैक डोहर्टी को इग्नोर कर दिए यहाँ एक्जैक्टली क्या हुआ था आप ये वीडियो में देख लो Who is this guy? Hey, let me get one too. No, I'm okay. kidding. <laughs> Holy shit! Huh? Oh, shit. Sure. Not... Excuse me, sir. Oh, yeah. who, who? Who? Chat. Who is he? Yeah, who's that? Soccer. He has two watches soccer? on. Soccer? Yeah, I think he's soccer. Probably soccer. एंड या नॉर्मली अगर कुछ ऐसा होता तो वो फुटबॉलर को हेट मिलता बट इस केस में वो स्ट्रीमर जैक को हेट मिल रहा है क्योंकि ओवरऑल उनका इंप्रेशन वैसे ही खराब है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़े हुए हैं बट इस क्लिप में भी आपने देखा होगा बार बार उनके सामने बोल रहे थे हुई जी हुई जी थोड़ा सा वो रिएक्शन निकलवाना चाह रहे थे एंड इसीलिए डार्विन उनको इग्नोर करके चल गए एंड मैक्सिमम लोग कमेंट्स में यही बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया इग्नोर करके सो so या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में तो या सपोर्ट करते रहना मिलते नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय